Well, I am not at all an expert in either numerology or, or astrology or feng shui or crystal ball gazing. My only qualification to be here is my interest in elections. I'm a student of politics and current affairs, so I'm as curious as most of you are to know what's going to happen.

के होता वही है जो प्रभु श्री राम ने रच रखा है तर्क करके आर्ग्यूमेंट से बहस में पेड़ की शाखा बढ़ती नहीं है वो वही और वैसे ही बढ़ती है जैसे उसको बढ़ना तय है तो फिर ऐसे में आप इतना सब कुछ उठा क्यों करते हैं मोदी जी को प्लेन्स भेजने पड़े बालाकोट अब कुछ दिनों में उनका गला बैठ जाएगा बोलते बोलते आपने पिछले चुनाव में भी सुना होगा बहुत मेहनत करनी पड़ती है साहब चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिक्स इज नॉट इजी। आपके विचार से तीन ऐसे कारण स्पेसिफिक प्रिसाइज रीजन कि आपको लगता है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी का और सबसे बढ़िया है और यानी क्या और बढ़िया यानी कैसे देखिए संसार में प्रत्येक वस्तु और से ही चल रही है और एक ऐसी एनर्जी है इनविजिबल एनर्जी सराउंडिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच फिक्स पर्सनैलिटी लाइफ स्टाइल एटीट्यूड एंड ऑल अदर स्पेक्ट्स ऑफ लाइफ तो पिछले पाँच सालों में मैंने विभिन्न नेताओं के और के बारे में स्टडी की है तो मैंने ये महसूस किया कि जिस व्यक्ति का और ओवल शेप का होता है और तो बहुत प्रकार के हैं इसके साइज हैं शेप्स हैं इसकी इंसेंसिज होती हैं इसकी लेयर्स होती हैं लेकिन आपने कभी मोदी जी के जब वो बोलते हैं तो उनके चेहरे पे जो भाव दिखाई देते हैं जो अंदर होते हैं वो बाहर होते हैं तो उनका ओवल शेप का है बड़ा इम्पेक्टिव हो रहा है और जो ओवल शेप का और होता है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है रिजल्ट कमिटेड नहीं होता दूसरी बात यह है कि जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उस पार्टी का अपना और जो है वो रेक्टेंगुलर है रेक्टेंगुलर में ओवल शेप तुरंत से समा जाता है इसलिए उनके जीतने के चांस ज़्यादा हैं क्या बात तीसरा मुख्य कारण क्या है कि उनकी पार्टी का जो सिंबल है और जो पार्टी की स्ट्रेंथ है और के हिसाब से वो नेवी ब्लू कलर का है और डार्क कलर का है उनकी इंट्यूशन पावर उनकी क्लैरिस्ट एबिलिटी और उनकी सोच जो है वो रियल है इसलिए दे विल बीन तो इसीलिए जो मोदी जी ने काम करने की सोची है उसके हिसाब से उनका और जो है वो स्ट्रॉन्ग है एक उनकी सराउंडिंग एनवायरमेंटल पोजीशन उनके साथ है उनके साथ काम करने वाले लोग रियल हैं जो अंदर और बाहर से एक जैसी हैं इसलिए उनका और भी स्ट्रांग है उनकी पार्टी का और भी स्ट्रॉन्ग if one were to give an absolute prediction in terms of elections then one needs horoscopes for all parties and all leaders all you know top leaders for those parties since that's not available so keeping that limitation in mind we are looking at bjp and congress particularly i wouldn't say that congress is the main contender or the main competitor for bjp because i think it's bjp against the rest it's bjp in a lighter vein Against whomsoever it may concern, okay. Yeah? So it's a hostile environment. BJP is fighting. So keeping those limitations in mind, if one looks at Narendra Modi's horoscope, uh, it is a very powerful horoscope. The current transit and the current dashas are adding to the strength of this particular horoscope. Uh, this is a Scorpio lagna horoscope with the ninth lord Moon. Uh, in the Lagna with Mars, the Lagna Lord. The Dasha that Modi is running is that of Moon. The Antar Dasha that is going to come at the time of elections uh, and is prevailing is that of Venus. Venus is conjunct with Saturn in the 10th house, aspected by Jupiter from the 4th house. So Modi is going to run the Dasha of the 9th Lord, the Antar Dasha of the 7th Lord.

जी। दशा है ग्रह दशा है उसमें इस समय सूर्य राजा है और शनि उसका मंत्री है जी। और दोनों में छत्तीस का आंकड़ा होता है यानी हमारी स्थिति आने वाली स्थिति को बहुत अच्छी नहीं अंतर विरोधों वाली संघर्ष वाली चरण वाली है तो ऐसे में चुनावों में गड़बड़ हो जाना यानी रिजल्ट वैसे ना आना जैसे अपेक्षित हैं उसकी संभावना है uh, इसमें ऐसा है कि बीजेपी की अगर हम कुंडली देखते हैं और मैं हिंदुस्तान की कुंडली पर आऊंगी बीजेपी की जब हम कुंडली देखते हैं तो स्पष्ट मेजोरिटी क्लियर मेजोरिटी नहीं आती है ये बड़ा इंटरेस्टिंग नोट इट इज नॉट अ केस ऑफ अ क्लियर मेजोरिटी सीम्स टू बी लॉट ऑफ कमोशन विद इन यू नो द द इंटरनल कोटेरी ऑफ बीजेपी ओल्ड गार्ड विल हैव टू सेट असाइड

ये बॉर्डर्स कॉमिश कॉज करेगा और जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली देखते हैं इस साल की तो भी बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा और ये राहु केतु के एक्सिस के पे जो अभी ट्रांजिशन यानी कि गोचर चल रहा है ये इसको एक्टिवेट करेगा और आई कैन से दैट देर इज गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट एंड इशूज बॉर्डर्स कॉमिश आर गोइंग टू बी अ रियलिटी इनफैक्ट ट्वेंटी ट्वेंटी seems like a more difficult year for this country and i know modi will handle it because modi is coming in power as per my prediction it is a real time conflict you know a lot of time i hear you know my neighbors my friends tell me oh you know the ruling government is getting this done because you know they want to come in power again i'm sorry the country's horoscope is telling us that this is a reality that these conflicts are there to stay for a while and we need to be टूगेदर एंड यूनाइटेड इन फाइटिंग दिस वीक इट इज़ नॉट अ पोलिटिकल एजेंडा इट इज़ हैपनिंग फॉर रियल सो येस हमारी बीजेपी की डेट ऑफ बर्थ है छ्रैल नाइनटीन एटी तो थ्री सिक्स नाइन जो होता है अभी थ्री यानी टू थाउजेंड नाइनटीन इज नंबर थ्री जुपिटर गवर्नड एंड बीजेपी पार्टी का आना सुनिश्चित है अगर हम बीजेपी की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चलते हैं तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका अभी मोन पीरियड चलता है एज पर द न्यूमरोलॉजी साइंस उसमें बहुत फ्लक्चुएशन होती है लाइफ में बहुत क्रिटिसिज्म होता है बहुत क्राइसिस होता है बहुत ऐसे टाइम से गुजरना पड़ता है शायद अपने ही परिवार से उनकी लाइफ में मतलब परिवार यानी बीजेपी परिवार से उनका कॉन्फ्लिक्ट हो ये हो सकता है लेकिन उनके डिसीजंस को लेकर बिकॉज़ मून ऐसी चीज़ें उतार चढ़ाव या परेशानी कराता है चाहे ये जैसे आपने दोहा बोला था कि सब कुछ समय ने निर्धारित किया हुआ है वो समय ही करवाता है तो गलतियाँ भी समय करवाता है अच्छे काम भी समय करवाता है जबकि मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ में उनको जो करना है वो करके ही रहेंगे विल पावर उनकी इतनी स्ट्रांग है उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मतलब कोई दूसरा उनका सानी नहीं हो सकता चाहे वो बीजेपी ही हो अगर मैं कंपैरिजन करूं उनका कांग्रेस पार्टी से तो अभी उनके लेवल का कोई भी नहीं है तो अगर हम इलेक्शन की बात करें 2019 में तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बीजेपी का टाइम फेवरेबल है वन थिंग मोदी जी का टाइम जो नंबर टू चल रहा है ये भी फेवरेबल है इतने उतार चढ़ाव और क्राइसिस के बाद में भी उनकी जीत सुनिश्चित होती है एज पर द इट्स सर्टेनली सेज दैट यू नो बीजेपी मे कम इन द पावर बट इट्स नॉट गोइंग टू बी अ कम्प्लीट बीजेपी बीजेपी गवर्नमेंट इट कैन बी कम्बिनेशन ऑफ अ कपल ऑफ अदर्स ऑल्सो सो इट बी लाइक मिली जुली सरकार काइंड ऑफ अ थिंग

और बहुत ज़्यादा सलाहकार नहीं पालता आसपास बहुत लोगों से विचार विमर्श करने की आदत नहीं है हर किसी से पूछने समझने की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे में एक गठबंधन साथ लेके चलने में दिक्कत होती है अभी वो गठबंधन साथ लेके नहीं चल रहे गठबंधन पीछे पीछे चल रहा है लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दो लोगों की पार्टी के भी पर निकल आते हैं